तो सुप्रभात भाई लोग, आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं किसी बंदे के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने मुझको रोज किया। तो आपको लगता है मैं उसको छोड़ूंगा? आपको लगता है मैं उसको छोड़ूंगा? आप उन भी उसकी गांड मारेंगे, रुक जाओ। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं बार बार स्क्रिप्ट भूल जाता हूँ। तो मैं आपका स्क्रिप्ट लिखता ही नहीं हूँ तो भूलूँ कैसे भाई? ये तो मुझको भी नहीं पता कैसे भूलते हैं बे, अगर स्क्रिप्ट लिखते हैं तो स्क्रिप्ट। और सबसे और दूसरी बात कि ये बंदा बीच बीच में क्या क्या बोलता है, लाइन से इधर उधर हो गया, लाइन से इधर उधर हो गया। तो इसको स्क्रिप्ट भूलना नहीं तो क्या कहते हैं? ये उन बंदों में से एक है जो स्क्रिप्ट लिखते नहीं फिर भी भूलते, क्योंकि इन्होंने चरस गांजा फूक के रखा है। और ये और इनकी वजह से केमेंट ने वो गाना बनाया है, चरस गांजा मेरे को प्यारा, समझे ना। तो इसने इसके बाद मुझको कहा है कि मैं बार बार हंसने वाला वो इमोजी यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहली बात, उसको इमोजी नहीं कहते भाई, उसको मीम कहते हैं हंसने वाला। पहले मीमो इमोजी का बीच का डिफरेंस जान ले, समझा। और मैं बार बार किधर सारी जिंदगी से दो बार ही यूज़ किया, वो भी उस वीडियो में ही, सिर्फ मैंने दो बार यूज़ किया, बाकी किसी वीडियो में तो मैंने यूज़ ही नहीं किया भाई। उसका तो किधर से लगता है तेरे को मैं बार बार यूज़ करता हूँ? क्या 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 खाता क्या तू? और फिर मैं एक लाइन भूल गया थोड़े समय के लिए, और इसने कहा कि 2000 साल बाद लगेगा। मैंने खुद जाके देखा कि 2000 साल बाद कैसे हो सकता है। इसके बाद देखा कि 2000 साल के, तो आधे सेकंड का डिफरेंस है सिर्फ दोनों बार में बोलने का, आधे सेकंड का डिफरेंस है। 2000 साल कैसे होता है मेरे को भी आप बताइए सर जी, आपके मैं चरण चाट लूँगा, गांड मार लूँगा। और आपको पता है इसने 2000 साल ही क्यों बोला कि 2000 साल बाद बोला? क्योंकि इसके बाद 2000 साल बोलने वाला ही मीम था, कोई मीम था ही नहीं। इसको तो काम तो करना नहीं है, बैठ बैठ के सिर्फ अपना पकना है, और कुछ है नहीं इसके पास काम धंधा के लिए, कुछ और मत समझ लेना। गान फान तो समझना है मत बिल्कुल भी। और इसने फिर बोला है कि मैं क्लासिक में खेल के चैलेंज करता हूँ। और भाई ये सबसे पहली बात, क्लासिक तो नहीं रैंक है, और वैसे भी तब मैं रैंक कम था, मेरा बहुत माइनस हो रहा था तब तक, इसलिए नूब आया था। तो मैं सोचा कि उसमें चेंज कर लूँ। और भाई दूसरे यूट्यूबर तो ब्रॉन्ज पे बैठ कर तुम्हें हेडशॉट मारते दिखा रहे हो, और तुम तो अपने गांड उनको दे दे रहे हो, तब तो तुम्हें कुछ पता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना कम रैंक है। और मेरे जब थोड़ा कम रैंक में खेला तो तुमने तो इसको भैया क्लासिक ही बना लिया। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं टैलेंट, ओनली टैलेंट नो लैंड। तो ये बोलता है कि रैंक खेलने में मेरी चड्डी गीली हो जाती है, तो ये रैंक नहीं तो और क्या है भाई। और वैसे भी तुझे अगर मेरे वो मैच खेलने का हिस्ट्री का वो चाहिए ना, मैच हिस्ट्री का जो क्या बोलते हैं ना भाई उसको, मैच खेलने के बाद जो हिस्ट्री में दिखाता है वो चाहिए ना, देख लेना। 10-12 मैचेस में 7-8 तो भूले ही होंगे, देख लेना। और फिर मैं तू बोलता है कि रैंक में क्लासिक में हेडशॉट मार के चिल्लाए हेडशॉट, तो भाई ये रैंक है का क्लासिक नहीं? क्लासिक में मैं कभी हेडशॉट मारता नहीं होगी, मैं तो क्लासिक खेलता नहीं, क्लासिक तो तू खेलता है, तू क्लासिक में भी हेडशॉट नहीं मार पाता, गांड फट जाती। तो भाई इस बंदे को जो को भी हेट नहीं देगा, क्योंकि ये बंदे का पहले भी पुराना चैनल में एक भी सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि ये इसका तो वीडियो बना के काम तमाम हो जाता था, जो कि हमारे बारे में कह रहे हैं, तो हमारे तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ रहे हैं? इनको अभी कोई जाके हेट नहीं देगा, क्योंकि इनके पुराने चैनल में तो सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा था, 36 था एक साल तक। और इस अभी नया चैनल खोला है तो कोई हेट नहीं देगा। हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हो ना। तभी ये कह रहे हैं, पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि रियल एनिमी 5-10 का डैमेज, 5 का डैमेज नहीं देते, 10-20 का हेडशॉट देते हैं। तो भाई 10-20 का हेडशॉट कौन से गन से लगता है भाई? 10-20 का मैंने तो किसी गन से नहीं मारा 10-20 का हेडशॉट, तूने मारा होगा 10-20 का हेडशॉट, 10-20 का हेडशॉट लगता है। और रियल एनिमी का 10-20 का हेडशॉट देते हैं, ये एनिमी के हैकर, सब रियल एनिमी के हैकर होते हैं 10-20 का हेडशॉट, तो ये रियल एनिमी नहीं तो क्या है? हाँ, ये क्या मेले में बिछड़ा, मेरा कुंभ मेले में बिछड़ा हुआ मेरा क्या सगा भाई है, जो कि मेरा दुश्मन बन के आया है अभी सच के, जो दुश्मन नहीं है, क्या क्या कुछ भी बकता है। और मेरा फूफा गेम के मॉडरेटर बन के नहीं बैठ रहा, जो मुझे हर वोट देगा मारने के लिए आके, हेडशॉट्स देख रहा ना वीडियो पे, हेडशॉट कभी मारा तूने अपनी ज़िंदगी में? मुझे तो नहीं लगता ना। और तेरा जब मैं वीडियो देख रहा था तब मैंने देखा कि तू वीडियो में कभी हेडशॉट मार ही नहीं रहा था, तू सिर्फ हेडशॉट खा रहा था, क्यों? क्योंकि तू है नूब बड़ा। और भाई इसने मेरे साथ अभी 7-8 बार से ज़्यादा होगा मेरे साथ बैटल किया है क्लैश स्क्वाड में, सोलो डुओ स्क्वाड बना के, और इसमें ये सिर्फ एक बार ही जीता है, तो सोचो ये कितना नूबड़ा और मुझे कह रहा है। तो ये कहता है कि हेडशॉट बना के इतना खुश होने में क्या है, मैंने कल लॉलीपॉप खाया है, तो भाई लॉलीपॉप खाता है तू, तेरा फूफा बच्चा। मैं लॉलीपॉप नहीं खाता, हाँ मैं तो तेरा बच्चा नहीं हूँ 2 साल का, जो लॉलीपॉप खा के दूसरों को कहता हूँ कि लॉलीपॉप खा के कितना खुश हो रहा है। अबे हेडशॉट मारा तो वीडियो में हेडशॉट मार कैसे बैठा रहूँगा, वीडियो बना रहा हूँ मैं, कोई फोटो शूट नहीं कर रहा, समझा गांडू। तो ये बंदा उसी आंटी लोगों के कैटेगरी में आता है जिसको किसी और ने कोई चीज़ दिखा लिया और वो कहते कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, और पीछे उसकी बुराई करते रहते हैं।
ये कह रहा है कि अभी तू खुश हो रहा था, अभी तू रोस्टिंग क्यों कर रहा है? तो भाई मेरी मर्जी में खुश हो रहा था, अभी पे खुश हो रहा था, अभी रोस्टिंग करो, तेरा इतना गांड क्यों जरब है? और ये बोलता है इसे पिच बढ़ा के चिल्ला था कौन है इसका, मेरा थोड़ी देर पहला हुआ था बच्चों से, तभी अभी बूढ़ों जैसा हो गया। अबे मेरा तो ठीक है, मैं पिच ना बढ़ाता हूँ ना कमाता हूँ, मैं सिर्फ ट्राई किया एक वीडियो में पिच थोड़ा कमा के। तो इसमें क्या रहता है, तू तो हर वीडियो में पिच ज़्यादा बढ़ाता है या फिर कमाता है, और वैसे भी तेरा आवाज़ तो हिजरा जैसा है ना, तो मुझको क्यों बोल रहा है बे? मेरा आवाज़ तो जलन हो रही है भाई हिजरे। ये कहता है अपुन हिजरा पैसा दे दो फ्रेंड में जाके। ये कहता है मैं केक की कॉपी करता हूँ, इसको पता भी है क्या केरी कौन है बे। और मैंने जब इसका डिस्क्रिप्शन खोला तो मैंने देखा ओह माय गॉड, इसने किसी को ना बताकर चुपके चुपके मेरा कमेंट थोड़ा मतलब डिस्क्रिप्शन थोड़ा चोरी किया। इसने मेरा डिस्क्रिप्शन का लास्ट मतलब एक लाइन उठा के अपने लास्ट लाइन में डाल दिया, वो भी छोटा करके। अच्छे भरे लाइन को कोई चूतिया बनाना इससे सीखे। मैं पागल नहीं लेकिन तू हिजरा ज़रूर है, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। तो ये बाबा साहेब चूतिया कर कह रहे हैं कि मैंने बोला है कि किसको चड्डी देना है मेरा। तो अबे बाबा साहेब चूतिया कर कौन से, उर्दू भाषा आता है तुझे तो मैं क्या करूँ, हिंदी क्यों नहीं सीखा तूने? अबे मैं कह उसके बारे में कह रहा हूँ, तू मेरे बारे में बोल रहा है, मतलब भाई तेरू टट्टी करेगा मैं देखता रहूँगा। हाँ अच्छा मेरे वीडियो में तूने पूरा वीडियो नहीं डाला, मैं पूरा वीडियो डालता, पूरा कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दिया तेरे वीडियो में। वैसे इसने मैं 90% वीडियो तो यूज़ किया है, कॉपीराइट डाल सकता अभी, लेकिन नहीं डालूंगा यार। भाई तू क्या लाइन लिख के लाया है? लैंड। तो इसने कहा कि अपने जीप पे मिर्ची लगा के बोलता है ताकि एकदम मजा आ जाए। तो इसके वीडियो में पहली बार तो क्या मजा आता नहीं, क्योंकि अगर मजा आया तो इसके सब्सक्राइबर्स एक साथ मतलब सेम ही रहते नहीं। और मुझे पता है तू जीप में मिर्ची नहीं क्या लगा के वीडियो में आते परेशान है बनते हो हमारे साथ, मिर्ची या फिर एलयूएनडी। हाँ मैं तो जब बोलता हूँ जीप में मिर्ची लगा के बोलता हूँ ताकि एकदम ऐसे रोस्ट करे ना, ऐसे रोस्ट करे ना, मतलब एकदम हग दे पूरे वीडियो। तो भाई साहब के अपने वीडियो में ही खुद का तारीफ शुरू होगा, भोसले का कितना मतलब तारीफ करेगा भाई खुद का। और तूने एकदम ठीक कहा अंत में जाके कि पूरे हक दू वीडियो में, तू वीडियो में हकता ही है। हाँ हकने के अलावा करता गया हगुड़े तीनों। और इसके बाद इन्होंने ये कहा कि पूरे वीडियो में हगा हगा के गाना बना रहा है, बस आइडिया अच्छा नहीं है मुझसे, अच्छा तो तू ही गाना बना पाएगा, तू ही बना हगा और हगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही बंदे अच्छा गाना बना सकते हैं, जो सिर्फ हकते और अपने गान मरवाते हैं, वो है जिक्स चरस गांजा वाला और एक तू। उसने कहा कि मेरे हकने में चवन प्रश्न, हाँ भाई मेरे हकने में चवन प्रश्न चाहिए क्या, घर में भेजो एक किलो। हाँ जैसे भी तू तो खुद का टट्टी खाता है, जिसमें तो चूतिया का चूत मिला होता है, तो खा ले इससे अच्छा चमन प्राश है। हाँ भाई मैं कुछ अलग से आँखता हूँ, मैं लंड से आँखता हूँ गान से नहीं। तो गाइस तालियां बजाओ, उसने एक नया कम्युनिटी ढूंढ लिया है, रोस्टिंग कम्युनिटी, जिसमें ये यही 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 गुरु है, यही चेला है, यही लंड है, यही गांड। तालियां। अबे हिंदुस्तानी भाव के गोटी के अंदर मिले हुए चमनप्राश, पहले तो बोलता है चमनप्राश इसके चट्टी में, फिर बोलते निकल पहली फुर्सत में निकल। अबे रोस्टिंग कम्युनिटी के लंड और गांड, तू रोस्टिंग कम्युनिटी का लंड और गांड हुआ तो मैं क्या करूँ, मैं भी पूरा शरीर हूँ, तू अगर सिर्फ लंड हुआ गांड हुआ ऐसा ऐसा लंड में घुंगू बजा के घुमाऊंगा ना तेरे को, पूरा सारी जिंदगी याद रहेगा, डाक बैठ जाएगा तेरे लंड पे, याद रखना। भाई तू रोस्ट कर रहा है कि हग रहा है वीडियो? मैं हग रहा है, तू क्या उखाड़ लेगा बोल। हाँ भाई अभी यार तेरा वीडियो देख के मैं अभी शिमला के पहाड़ में चला जाऊंगा, मैं बेबल बन के घूमूंगा एक हफ्ते तक, मैं सह नहीं कर सकता तेरा वीडियो, इतना टट्टी इतना कोई कैसे आ सकता है, तू तो इसके सभी से भी ज़्यादा हकता है वीडियो में। ये भाई साहब कहता है कि हमने अपने एक वीडियो में कहा है कि अपना पूरा मुंह खोल के बोलो, और ये कहते हैं कि मैं खुद भी अपने वीडियो में मुंह खोल के नहीं बोलता। तो भाई तो मैं जो आवाज़ निकलता है वो किधर से निकलता है, मेरे गान से निकलता है क्या? हाँ मेरा आवाज़। और फिर ये कहते हैं कि अपने मैं अपने मुँह में जो आता है वो बकता हूँ। तो हाँ भाई रोस्टिंग करने के लिए मैं तो पूरा रिसर्च करूँगा ना, मैं पूरा रिसर्च करके एक फॉर्मूला बनाऊँगा, उस फॉर्मूला के हिसाब से करूँगा, ए एल एल प्लस एल प्लस जी इजिकल टू बी। हाँ अबे गांडू जैसे वो पैसा मेरा नहीं है, मुझे जलन भी नहीं हो रहा समझा, और जैसे वो पैसा मेरा नहीं है वैसे ये वीडियो भी तेरा नहीं है और ये वीडियो मेरा है बेंचो, और ये वीडियो मेरा वायरल नहीं हुआ जो तुझे इतनी जलन होगी। हाँ जिस दिन वायरल होगा उस दिन खेलना ठीक है, और अभी तू अपना चुत्तर बंद कर यहाँ से, मेरी फुर्सत में निकल, वीडियो लंबा हो गया, मैं भी जा रहा हूँ, अलविदा सायोनारा कामासूत्रा बाय। हगा और हगा हगा और हगा हगा।